हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ हिंदी के एग्ज़ाम पेपर यानी कि यूपी बोर्ड के हिंदी के एग्ज़ाम पेपर में संदर्भ यानी कि काव्यांजलि, गद्य गरिमा और संस्कृत के संदर्भ में क्या अंतर होता है। हिंदी में संदर्भ लिखते वक्त आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी व्याख्या को गलत कर सकती है, यानी कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक, ज़्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं होता है। तीनों के संदर्भ में यानी गद्य गरिमा, काव्यांजलि और संस्कृत के संदर्भ में अंतर होता है, वो बहुत ही छोटा अंतर होता है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आए हुए पैराग्राफ का संदर्भ और प्रसंग बिल्कुल ठीक लिखा है तो आपको नंबर बहुत ही शानदार मिलेंगे, और अगर आपका संदर्भ एंड प्रसंग गलत है तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर फोकस आपको हिंदी पैराग्राफ में संदर्भ पर ही करना होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक मिल जाए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर एजुकेशन से संबंधित ही सारी वीडियो आती रहती हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गद्य गरिमा के संदर्भ की। सबसे पहले हम लिखेंगे गद्य गरिमा के संदर्भ को। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पर तो था गद्य, यानी कि गद्य में आया गद्य, गरिमा में आया गद्य, यानी कि गद्यांश। ठीक है, गद्य गरिमा को हो गया गद्यांश, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश। अब बात करते हैं हम काव्यांजलि के संदर्भ की। काव्यांजलि का संदर्भ लिखते हैं काव्य माता पद यानी कि पद्यांश। तो हम इसका संदर्भ लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के सूर सागर नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता यानी कि कविवर सूरदास जी हैं। अब बात करते हैं हम संस्कृत के गद्यांश की, यानी कि संस्कृत पर गद्य आएगा या पद आएगा, दोनों में डिफरेंट है। संस्कृत के गद्यांश में गद्य आएगा या पद आएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप शुद्ध हिंदी में बात करें तो अवतरण भी आ सकता है, लेकिन आप ऐसे लिखिए इसको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर सिलेबस चेंज होने के अनुसार पाठ का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लिखेंगे इसी तरीके से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ तक तो वह संदर्भ लिखने का तरीका। अब बात करते हैं तीनों में अंतर है क्या, तीनों के संदर्भ में अंतर क्या है, यानी कि संस्कृत काव्य गद्य के संदर्भ में क्या अंतर है। तो तीनों में जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पर दे रखा गद्य गरिमा, तो गद्य गरिमा में आएगा आपका गद्यांश यानी कि प्रस्तुत गद्यांश। गद्य को कहते हैं गद्य, ठीक है। नीचे सेकंड नंबर पर काव्यांजलि, तो काव्य को बोलते हैं हम पद यानी कि पद्यांश। और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर संस्कृत, संस्कृत को आप गद्यांश ही कहेंगे, लेकिन संस्कृत के संदर्भ में आप किसी भी कीमत पर पद्यांश नहीं कर सकते हो, वरना आपका संदर्भ पूरा गलत हो जाएगा। अगर आपने संस्कृत के गद्यांश में अगर पद्यांश कर दिया तो भी आपका संदर्भ गलत हो जाएगा, और अगर आपने काव्यांजलि के संदर्भ में और गद्यांश कर दिया तब भी आपका संदर्भ गलत हो जाएगा, और अगर आपने गद्य गरिमा के संदर्भ में गद्यांश की जगह पद्यांश कर दिया तब भी आपका संदर्भ गलत हो जाएगा। इसलिए ये बात छोटी आपको लगेगी, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैराग्राफ के जो नंबर डिपेंड होते हैं वो संदर्भ एंड प्रसंग के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, ताकि आप छोटी सी भूल करके ये नंबर कहीं गवा नहीं बैठे। ये वीडियो 10th के पेपर में भी काम करेगी और 12th के पेपर में भी काम करेगी, यानी कि हिंदी का जो वर्जन है, हिंदी का जो पेपर है, वो आप कक्षा 12 में भी काम कर सकते हो और कक्षा 10 के पेपर में भी इसी तरीके से काम आपको करना होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में।